हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काशा विद कान्हा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती होगी आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी होगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपना रक्षाबंधन का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और पूरा एंड तक देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जैसे हम घर पहुँचे 2:15 बजे के आसपास, तो बस 10-15 मिनट बाद आयुषी बचपन से स्कूल में जिसको राखी बांधती थी, देवो प्रिय है, तो शुरू से मतलब छोटे से ये जो राखी बांधते हुए आ रही है वो अभी तक राखी बांध रही है इसको। इसका नाम देवो प्रिय है, इसकी कोई बहन नहीं थी, तो आयुषी शुरू से राखी बांधती है इसको। और ये कोलकाता में जब जॉब करता था तो भी आयुषी इसको सेंड करती थी राखी, और ये वहाँ से गिफ्ट भेजता था जो भी। तो अभी बनारस में है तो आ गया घर पे राखी बांधने के लिए, तो आयुषी सबसे पहले इसको राखी बांधी है। और मतलब एकदम टॉम एंड जेरी वाली भाई बहनों की एकदम लुक इन लोग का तो लगता है। झगड़ा भी करते हैं इन लोग, आपस में बात भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं सब। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना केयर कोई कर रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाई बहनों की जो केमिस्ट्री होती है ना, ऐसे ही होती है कि मतलब झगड़े के बाद भी प्यार रहता है, अपनी बहन की रक्षा करने का जो ख्याल रहता है वो सबसे बड़ी बात रहती है। और यहाँ देखिए देवी प्रिय पानी दे रहा है, तो आयुषी बोली नहीं तुम पानी पियो, हम पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए देवी प्रिय को पानी पिलाई है आयुषी। और इतना मतलब देवो प्रिय छोटा भी है, जूनियर हाँ, नहीं 3 साल, मतलब बड़ी बहनों से ट्रीट करती है और चला गया तो हाँ सुनता रहता है जैसे छोटे भाई लोग सुनते हैं। तो बस यही चीज़ है, और हम लोग को देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि आयुषी केयर करना आयुषी को आ गया, नहीं तो अभी घर में सबसे छोटी है तो हम ही लोग जॉब में सच मिलता है, तो ये चीज़ इसका बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हम लोग भी तैयारी कर रहे थे बांधने के लिए, तो सबसे पहले छोटे बच्चों को बांधना जरूरी था क्योंकि बहुत शैतान होते हैं, कब इन लोग का मूड चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। तो आयुषी सबसे पहले कान्हा को टीका की और फिर राखी बांधी, फिर मिट्टी दे दी उसको बांधी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब कान्हा जो चूज़ किया था राखी ना, वही आयुषी उसको बांधी है, क्योंकि इसको छोटे बच्चों छोटा राखी नहीं बांधना था। तो एक तो आयुषी छोटा वाला लेकर के भी आई थी, तो वो मिट्टी दी बांधी थी। प्यारा सा मेरा छोटा बाबू आ गया, जो कि मम्मी इनकी लेकर के बैठी है। छोटी मम्मी हम हैं, सबसे छोटी मम्मी आयुषी है, हम लोग तो यही बोलते हैं। बड़ी मम्मी इनको लेकर के बैठी हुई है। तो ये देखिए इस ये बच्चा ना छोटा, इतने बच्चे होते हैं ना तो अपने आप बैठते नहीं है, अपने आप देखिए राखी भी नहीं बंधवा रहा है ठीक से। तो इसको कुछ हम लोग बॉक्स दे देंगे, कोई डिब्बा दे देंगे ना, तब जाके ये राखी बंधवाएगा। बार बार ये राखी ना हटा दे रहा था और बांधने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो हम लोगों ने ना एक आइडिया लगा, इसको एक डिब्बा दे दिया और ये डिब्बे से खेलता रहेगा, यहाँ पे ये राखी ना बंध जाएगी। तो इतने छोटे बच्चों को पता भी नहीं होता है कि क्या है, लेकिन फिर भी ये शगुन है। और तो यहाँ पे अब दोनों बच्चे एक जगह बैठ गए, देखिए कान्हा कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कृष्णा को, और कान्हा कृष्णा दोनों नाम कितना प्यारा है। तो अब अनमोल हम लोग की राखी बांधने की बारी आ गई है, तो अनमोल खूब मस्ती करते हुए और खूब वीडियो भी ले रहा है, फोटोशूट भी कर रहा है, और हम लोग खूब मस्ती करते हुए तब जाके हम लोग राखी बांधेंगे। पहले खूब मस्ती होती है, उसके बाद से जा करके हम लोग राखी बांधते हैं। दोनों बच्चे देखिए कितने अच्छे से शांत से एकदम बैठे हुए हैं, और कान्हा प्रोटेक्ट कर रहा है कि कहीं गिर ना जाए कृष्णा। बहुत प्यारा है कुट्टा मेरा। हम अगर मम्मी के यहाँ जाते तो सबसे पहले कृष्णा को ही देखते हैं कि कृष्णा कहाँ है। अनमोल भी व्लॉगिंग करता है, तो इसलिए व्लॉगर है एक अनमोल भी, तो ये भी अपना व्लॉगिंग करते करते खूब मस्ती कर रहा था।
तो यहाँ पे कान्हा बहुत ही शांति से हम लोग को देख रहा था और इसको देख करके बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे मिक्की दीदी राखी बांधी, हम लोग सीरियल भाई राखी बांधते हैं बड़े से छोटा, तो सबसे पहले मिक्की दीदी राखी बांधती है, फिर हम बांधते हैं, उसके बाद आयुषी बांधती है। आयुषी इस समय कैमरे के पीछे जानती है कि मतलब मेरे बाद ही इसका नंबर आएगा, तो ये कैमरे के पीछे है और हम लोग राखी बांधते हुए मतलब पहले भी मस्ती कर लेते हैं और फिर उसके बाद खूब वीडियो और फोटोशूट करते हैं, उस समय भी मस्ती होती है तो बस बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। पता है जो राखी का त्यौहार होता है ना, वो उसमें बहनी जब भाई के घर आती है ना, तो जितने भी संकट होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भाई के दूर करने के लिए आती हैं वो। और मेरा तो मानना यही है कि अगर पॉसिबल हो तो बहनों को भाइयों के घर जाना चाहिए और राखी बांधना चाहिए, क्योंकि इससे सारे संकट वो अब दूर कर देती हैं अपने भाइयों का। तो ये चीज़ शुरू से होती हुई आ रही है और ये चीज़ को हर एक लोगों को मानना भी चाहिए। तो यहाँ आयशी मौसी को हटा के कान्हा ब्लॉगिंग लेने लगा, शूट करने लगा वीडियो रिकॉर्डिंग, और आयशी बता रही थी कि ऐसे वीडियो शूट करो कान्हा, तो देखिए कितना प्रॉपर वे में ये शूट कर रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इसके मामा देखिए व्लॉगिंग कर रहे हैं और व्लॉगिंग कर करके मतलब ये टीका लगाया जा रहा है, तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अपनेपन का एहसास इंसान को लगता है, और आप जब कोई फेस्टिवल होता है आप अपने भाई बहनों के बीच में रहते हैं ना, तो आप सब चीज़ भूल जाते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पे आयुषी का हम वीडियो ले रहे थे और आयुषी के पास देखिए, आयुषी को कान्हा से आयुषी का बहुत ज़्यादा पटरी खाता है, मतलब कहिए कि इसकी फेवरेट मौसी में से आयुषी मौसी और मिक्की मासी हैं। तो ये देखिए, तो आयुषी यहाँ पे टीका करेगी और अनमोल को ये सब मिठाई खिलाएगी। तो हम इसका वीडियो शूट कर रहे थे प्रॉपरली, और इन दोनों में ना झगड़े होते हैं टॉम एंड जेरी की तरह, तो ये बहुत ही फनी लगता है। इसके बाद मेरा छोटा भाई आ गया, मेरा छोटा भाई संस्कार आ गया, जो कि कज़न है, बड़े वाले चाचा हैं, उनका लड़का है, तो वो अब ये आ गया, तो अब इसको भी हम लोग सीरियल बाई में ही राखी बांधेंगे। पहले मिक्की दी बांधेगी, फिर उसके बाद हम बांधेंगे, फिर आयुषी बांधेगी। तो कान्हा कितने हैप्पी हो गए इनको देख करके, तो हम बोले देखो छोटे मामा हैं, छोटे मामा। तो बस ये हम लोग जितना भी था टीका किए, राखी बांधे, फिर हम लोग खूब मस्ती किए और व्लॉगिंग लिए, थोड़ा सा मतलब फनी वे में रील्स बनाए, तो बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ इन, क्योंकि हमको शाम तक में निकलना था, 6-7 बजे तक हमको निकलना था, तो मेरे पास वही 4-5 घंटे का ही टाइम था जो कि हम गए थे, क्योंकि मम्मी पापा घर पे थे नहीं, तो हमको मतलब एज इट इज़ हमको अपने ऑन टाइम पे हमको घर पहुंचना था, ज़्यादा लेट नहीं करना था। तो यहाँ पे देखिए आयुषी राखी बांधेगी, और ये जो फेस्टिवल का त्यौहार है ना, ये मतलब आपको अलग से एक नई ऊर्जा दे देता है, नई जैसे पॉजिटिविटी दे देता है, अपने जो अपने लोग हैं उनके साथ कनेक्शन आपके और मजबूत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमेशा इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हर एक लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो स्त्री 2 देखने के लिए गए थे, 2:15 बजे के का शो था, तो वो चले गए थे, बोले मेरा कोई काम नहीं है, तुम लोग अपना सेलिब्रेट करो और जैसे मूवी ख़त्म होगी हम आ जाएंगे। तो वो पास में ही PDR मॉल है, तो वो वहीं पे चले गए थे। फिर उसके बाद जैसे ख़त्म होता है 5:30 बजे के आसपास उनकी मूवी, तो वो घर आते हैं, तब तक हम कान्हा को सुला दिए थे, तो ये बोले चलो रिलायंस ट्रेंड, PDR मॉल में ही रिलायंस ट्रेंड है, तो वहीं पर हम लोग चले गए, हम इनके लिए और कान्हा के लिए कुछ शॉपिंग किए थे, तो ये भी कुछ इनपुट अल्टर के लिए भी देना था उसी में, तो हम लोग चले गए। फिर उसके बाद हम उसका पूरा ब्लॉग आपको नहीं दिखा पाएंगे कि हम लोगों ने कान्हा के लिए और इनके लिए क्या लिया, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे, तो ये क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और नेक्स्ट ब्लॉग मैंने इनके लिए क्या लिया, कान्हा के लिए क्या लिया, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।